सो वेलकम बैक गाइस। तो आज फिर से वेलकम करते हैं आपको माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर। मैं यहाँ पे पता नहीं कितने को जोम्बी मार चुका हूँ, और ये जोम्बियों ने मेरा वैसे दिमाग ख़राब किया हुआ था। तो हम आज सेकंड फ्लोर नहीं बनाने वाले चीटिंग करता है तू। कि मेरा ख्याल है कि हम जोम्बी से हर बार मर जाते हैं। इसकी एक वजह है क्योंकि हमारे पास आर्मर नहीं है। तो आज हम आर्मर के लिए आयरन माइन करने जाएंगे। और मैं यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ ऊपर इसलिए देख रहा था क्योंकि ऊपर पड़ी है वीट, और मुझे चाहिए वो वीट क्योंकि मुझे खाना चाहिए। खाना मेरे पास है नहीं, तो खाने के लिए अब हम वीट इकट्ठी करने जा रहे हैं। पहले वीट को लेंगे फिर खाना खाएँ। तो जो सब्सक्राइबर नए हैं, आज जो नए चैनल पे आए हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको कहते हैं कि वो सब्सक्राइब करके जाएं, और हाई होप्स हो कि वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मोबाइल ठीक करवा लिया है और बहुत जल्द नया मोबाइल भी ले लेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरफ बढ़ जाएं। तो बेसिकली अब माइनिंग के लिए सबसे पहले खाना तो ज़रूरी है, और ऊपर से फिर लाइट्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कहाँ गया वो वीट वाला? जिन सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, उनकी कमेंट की वजह से हम काफ़ी चीज़ें समझ पाए इस गेम के अंदर। तो थैंक्स उनके लिए। और हम वीट को फिर से आप वीट ले लेते हैं यहाँ से काफ़ी सारी। तो उनकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें समझ पाए हैं। तो इनके वो कमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो पिछली वीडियो में किए थे। तो हमने पहले ही कह चुके हैं जो कमेंट करेगा उसका कमेंट अगली वीडियो में पिन होगा। तो ये नहीं अगली वीडियो। ओह शिट, मैं प्लेस करने वाला था नीचे। बाकी छोड़ें, आप इसको प्लेस करने वाली बातें। तो उन सब्सक्राइबर की थैंक्स कि उन्होंने हमें कुछ ट्रिक्स बताए इस माइनक्राफ्ट के। और ये क्यों खोल रहा है? इसे खोल, इसके ऊपर वीटर बनानी है। अब हम बनाएंगे इसे, क्या कहते हैं उसे, ब्रेड। तो ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड पता नहीं किस तरह बनती है, यहाँ पर उस रेसिपी देख लेते हैं। ये रही, तो जितनी बनती हैं बना लेते हैं, बाद में देखेंगे फिर क्या होता है। जल्दी बन जा, एक एक ब्रेड बन रही है एक टाइम पे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर वेस्ट करें, हमने आगे की तरफ मूव करना। तो वीडियो लेट आने की वजह बस मोबाइल थी, और अब एक और वजह है कि मेरे पेपर अब बहुत करीब आ चुके हैं। पेपरों की वजह से भी थोड़ा वीडियो लेट हो जाती है कई बार। तो माइंड मत किया करें, और ना ही चैनल को छोड़ के जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब ही रहने दिया करें। एक तो इसने अब दिमाग ख़राब करना, मैं दरवाज़े बंद कर लेता हूँ। हाँ सड़ता रहा भाई। ओहो वीट खा तू, वीट कह रहा हूँ, ब्रेड खा ताकि तेरी हेल्थ बढ़े। हाँ मेहमान अलाउड नहीं है हमारे घर में। चलो निकलो, मूविंग टू द माइन। मैंने ये देखे हाथों में चीज़ें पकड़ी हुई हैं, सोच रहा था गोलम को भी साथ ले जाऊँ। अच्छा अब हमारे ये देखें, ये जो गोलम है ना, ये गोलम का हिसाब लगाएं। विलेज वहाँ पे है, प्रोटेक्ट यहाँ पे, पता नहीं किसको कर रहे हैं। शाबाश। तो गधों, इसको मार भी नहीं सकते। इधर आए, दिल तो कर रहा तुम दोनों को मार दूँ क्योंकि फ़ायदा ही नहीं तुम लोगों का। कहाँ गया दूसरा? हाँ यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करोगे? लेट्स ट्राई। और अगर एक किसकी पड़ गई ना तो मैं वैसे ही हलाक हो जाऊँगा। तो इस कॉलम को मारने के लिए मैं यहाँ से वो क्या कहते हैं इसको, ग्रास थोड़ी सी मैं का बेसिकली बात यह है। अब मेरे पास लीड तो है नहीं कि इनको वहाँ पे लेके जाऊँ, तो मरना ही बेहतर है तुम लेके, तुम्हारे लिए। और इधर आ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। उसे पता चल गया लगता मैं उसे मारने वाला हूँ। ऊपर के ऊपर भागी जा रहा है। पहले प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मारने लगता है फिर इसकी एक हिट भी काफ़ी होती है। ओए गधे, ये बार बार पॉपअप क्यों कर रहा मेरा?
दरा Meanwhile, ये हमें पता नहीं खींच खूंच के कहाँ ले आया। वैसे सामने एक माइन नजर आ रही है मुझे, इसको बाद में देखते हैं, बात के लिए रख लेते हैं इनको। ये आगे के आगे जो बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हमें आयरन मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी। वाह, ये क्या चीज़ बनी हुई है। और देखें सबसे मेन चीज़ आयरन के लिए, जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं साथ ही नहीं लेके आया, टॉर्चेस। टॉर्चेस के बगैर मैं कैसे करूँगा अब फिलहाल। वापस चलते हैं तो टॉर्चेस का बंदोबस्त करके आते हैं। रात हो गई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डे को आपको गाइस, नेक्स्ट डे। A few moments later. Good morning guys. तो फिर से टॉर्चेस को लेकर दोबारा से रेडी रूडी हो गए, और इस बार गोलम मरेगा यहाँ तो फिर आयरन मिलेगा। तो यहाँ पे एक माइन शाफ्ट है, माइन है, शाफ्ट कह रहा हूँ, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। मतलब क्या नहीं, माइन ही है हल्के। ओहो, कुछ जानना तो हुआ। लो, स्वागत वाले पहले खड़े होते हैं। सबर सबर सबर, शिट शिट, कुछ तो हुआ। पहले टॉर्च लगा, इससे पहले यहाँ पे और बंदे आ जाए। खाना खा ले, मर गया। नहीं, शिट, चीजें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, ऐसी चीजें। कहाँ गई वो माइन, यस यस, क्योंकि दे दे, ये भी मेरा ही है। यहाँ पे कुछ तो मिले, फोक नहीं, नहीं नहीं, बहुत अच्छे। तो फाजा बहुत अच्छे, मैं सिर्फ आयरन लेने आया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लो आगे के भी बंद है, आप चीज़ें वापस लेके जाएंगे हाँ, यहाँ पे क्यों रखनी है। एक ही हल रहेगा कॉलम, कम से कम उसे एक चेस्ट प्लेट तो बनेगी ना। इसमें मसला ये है कि आप अपनी दूसरी हैंड में ये पकड़ नहीं सकते, एक ही चीज़ एक टाइम पे पकड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे मुझे आयरन बिल्कुल नहीं मिला, जहाँ पे ज़ॉम्बी है ना, यहाँ पे चलते हैं, इसको ज़रा मारते हैं। मैं खोल दिया ना तो ये आ जाएगा,
इसे ऐसे ही मारना पड़ेगा। ये भी फंसा ही हुआ था मेरा ख्याल से। तो अच्छे हमें कुछ नहीं मिला इधर से, तो टॉर्चें उठा लेते हैं। टॉर्चें हमें ज़ाया करनी वाली बात है। मॉब स्पॉनिंग सेक्शन है तो मॉब स्पॉनिंग ही रहने देते हैं इसको। फजूल में ही मैं इसमें घुस गया, मेरे यहाँ से नहीं मिला तो फिर कहाँ से मिलेगा। अभी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे और मेक श्योर कि हमारा इस तरफ ही है कार। वो गोलम तो मिल गया, अब जल्दी से प्लेस करके अगर हम इसको पकड़ लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। चल तुझसे कुछ तो मिलेगा ना, वैसे तेरा फायदा तो नहीं था यहाँ पे ऐसे दिमाग ही खराब कर रहा था तुम्हें। तो ये आयरन मिल चुका, इसको पिकअप कर लेते हैं। यस रेसिपी अनलॉक होनी शुरू होगी गाइस। दूसरा किधर है? एक तो गया, दूसरा इधर ही कहते घूम रहा था कल परसों। वो रहा, अब इसको भी मारते हैं। फायदे की बात है, फायदा जहाँ पे हो वहीं पे जाते होते हैं। तो फायदा जहाँ पे है वहीं पे जाना है हमने। अब मैं पता नहीं क्यों दो दो हैं यहाँ पे। चलो दोनों इकट्ठा अगर लपेट लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और काफ़ी अच्छा घोड़ा भी है यहाँ पे, घोड़े को टाइम बाद में करेंगे। कल इधर कोई आएगा? ए लालू राम, पोपट, पता नहीं इनको क्या ज़रूरत है मेरी पोपट बनाने की, लेकिन उधर को भाग पड़ा। अगर कोई आ रहा है, एक तो ये फिर प्लेस भी नहीं ना होता तो ये ले। अब पिकैक्स तलवार ना टूट जाए मेरी, बाकी तो और कोई मसला नहीं। यहाँ तक मुझे लग रहा है ये टूटेगी। देखा ये कौन सी रेसिपी अनलॉक्ड होगी। आयरन कुछ तो मिला हमें, कम से कम एक चेस्ट प्लेट ही बन जाए, बाकी फिर इधर उधर से इकट्ठा करेंगे। लो जी लारू नाम जो ऊपर से आ रहे हैं इसको ही पकड़ लेते हैं। तो पहले प्लेटफॉर्म बना लेना, इसको नीचे आ लेंगे। इसको अगर मैंने मारा ना तो इसने बहुत गंदा मारना मुझे। हेलो राम, एक मिनट ट्रिक करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके इसको नीचे उतारने का तरीका। ये जो उतर नहीं रहा, अब वापस उसी तरफ जा रहा है। मेरे पास मसला ये है ना कि इसको ही इसको मारते हैं। लालू राम, ए उफ उफ, जहाँ पे मैं जगह बनाता हूँ वहाँ से भाग जाता है। पहले मार ले क्योंकि भाग जाएगा। ड्राए शिट, भाग
गाइस गोला मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने पता नहीं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया था, फिर भी चढ़ के मेरे ऊपर आ गया वाको। और रुकना नहीं, वो देख पीछे पड़ा हुआ। अब भाग, अबे तेरे पास जितनी भी जान है ना उतनी जान से भाग ले, क्योंकि गोलम की अगली हिट में ना तेरे कबर बन जाएगी यहाँ पे। एक तो गोलम मेरे पीछे है। शिट गाइस, योर गाइस इज डेथ नाउ, डेथ इज कमिंग हियर। यस, वो मेरे पास ब्लॉक्स भी ख़त्म हो गए। भाग ले, अभी इतनी हैंग हो रही है इस टाइम पे। भाग, मेरा ख्याल है वो दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ गया और इस वजह से मुझे मार दिया उसने। वो यहीं क्यों आ रहा है, घर के अंदर घुस जा, पड़ जा घर के अंदर। गोलम इज हियर, मेरा ख्याल है गोलम दरवाज़ा नहीं खोल पाते, अगर उसने खोल दिया तो मैं तो गया। मारो इसको, मारो 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 मारो, सारे मिलके मारो, मिलके मारो, मिलके, शाबाश। मर गया अमरा। पूरी फैमिली आ चुकी है। It was at this moment he knew. He fucked. Oh shit. नहीं, पूरी फैमिली आ चुकी है लेकिन हम बचेंगे। शिट, ज़ॉम्बी की पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई है गाइस। लो 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 लो, सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं नहीं बाबा मेरी गलती है यार, नहीं भाई साहब मेरी गलती है, मेरी गलती है। थिंक जी यहाँ से भाई निकाल दो। फिर से मर गया, एक ही जगह बार बार स्पॉन हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ ये नहीं पता। मैंने ये दरवाज़ा क्यों खोला। शिट, बाहर निकलने तो गधा, मेरे आयरन सब कुछ इसके अंदर ही है। मुझे चेस्ट खोल के इसके अंदर डाल दो। यस, आयरन सेव हो गए, बाकी गया भाड़ में। और आयरन सेव हो गए, बाकी भाड़ में जाए। खड़े ही नहीं होने दे रहे, मतलब सर रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट हुआ है। जस्ट भागते हैं भागते हैं भागते हैं, भागो। टू मच कोलम को मारने के चक्कर में मैं अब 10 बार मार चुका हूँ। बाहर निकल लेने दो मुझे एक बार। तू तो गया बेटे, बाहर निकलने नहीं दे रहे। मैं क्यों क्राउच करके बैठा हूँ। बाहर निकल गया, कॉलम के आयरन भी उठा लिए, बच भी जाऊँगा मेरा ख्याल। अब तो मैं बच गया, बस मुझे किसी तरह इनको राउंड राउंड घुमाना है। शेट, ये पिद्दी ज़ॉम्बी, यहाँ पे ज़ॉम्बी बहुत हो चुके हैं यार, मैं क्या करूँ। ये विलेजर भी ज़ॉम्बी बन गया मेरी वजह से। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, ऊपर से हर तरफ खतरा ही खतरा है। मैं फूल लेके हाथ में घूम रहा हूँ, हालांकि यस बच गया। अब मॉन्स्टर नियर बाय आ गए। लो जी,
हमने फिलहाल आयरन तो सेव किया ना, बाकी छोड़ें जो भी हमारे साथ हुआ। अब आयरन आ गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आगे क्या करना, आगे सुबह करेंगे, पहले यहाँ से तो निकले, किसी तरह सुबह तो हो लेने दो। आई थिंक मैं क्राउच कर लूँगा ना साइड पे कहीं जाके, दरवाजे से ऐसे, फिर नहीं आएंगे। सो भी तुम अब सो जाओ। यस, ये चाहता था मैं। Several days later. खा रहा था और उसी चक्कर के अंदर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। बोन्स भी काम आ जाएगी कहीं, इसको भी रख लें, ये भी रख लें, भी रख लें, ये भी रख लें। अब जो आयरन मिला इससे देखते हैं क्या बनता। फिलहाल इतना ही आयरन मिला, इसे आयरन की कोई चीज़ बन जाए, चेस्ट प्लेट बन जाएगी, चेस्ट प्लेट बन जाएगी, लेगिंग्स चेस्ट प्लेट बन जाएगी। फिलहाल फिर लेगिंग्स का पता नहीं, चेस्ट प्लेट तो बनाओ। तो हमारी पहली चेस्ट प्लेट कहाँ पे गई? व्हाट हैपन? एक मिनट, एक अच्छा पहन ली चेस्ट, चेस्ट प्लेट पहन चुका है। उसे कैसा दिख रहा है ये भी तो दिखा दें हमें, ये देखें चेस्ट प्लेट पहन ली है। Nice. तो पहली चेस्ट प्लेट, हेलमेट भी बन जाएगा, हेलमेट भी बनाओ फिर। तो हमारा थोड़ा सा आर्मर बन चुका है, ये आपको डॉल में नज़र आ रहा होगा साइड पे, गुड हो गया थोड़ा सा, मतलब कि सेफ्टी होगी हमारे लिए। अब कभी भी दरवाजे की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना, ये तो मरेंगे। अब इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। हमारी सॉट टूट चुकी थी तो सॉट बनानी पड़ेगी। अरे आयरन ख़त्म हो गए, ठीक है सर, सॉट बनाते हैं। सॉट कहाँ, सॉट कहीं से, इसको लेते हैं। हमें चाहिए कुछ ब्लैंक्स भी, यानी अब इससे बनेगी स्टिक्स। स्टिक्स बनाओ जितनी बन सकती हैं, क्योंकि मैंने एक बॉबी बनाने का इरादा किया, बॉबी बनाते हैं तो स्टिक्स। अब फिलहाल के लिए एक सॉर्ड बनाते हैं, यहाँ से सॉर्ड, एक सॉर्ड बढ़ी है और सॉर्ड बन गई। अब बनाते हैं सॉर्ड को, इधर रखते हैं। अब वो बनाते हैं, वो के लिए मैंने चीज़ें इकट्ठी की थी तो वो नया नहीं है अभी तक। यहाँ पर वो होगा, यस वो भी बन गया, लेकिन अभी तक मेरे पास एरोज नहीं। एरोज बनाने के लिए आयरन चाहिए होता ना। वेयर इज द एरोज? ये रेसिपी किधर है? मैंने खोला अभी तो गलत सेक्शन। एरोज, एरोज की रेसिपी, एरोज जहाँ तक मुझे लग रहा है आयरन ही चाहिए होता है एरोज के लिए। ये बो है, बो की रेसिपी है। ये कैरेट स्टिक पे ये आयरन डोर है, जो शील्ड है, शील्ड के लिए आयरन नहीं है हमारे पास। एरोज यहाँ पे है नहीं, चलो फिलहाल कुछ तो बना। हाँ सेफ्टी फर्स्ट कम्स फर्स्ट। और मुझे लगता है हमारे विलेज पर काफ़ी बड़ा हमला हुआ है। और ये देखें, और मेरे जोन से लीड आ गई, गुड। अब ये होगा कि हम आयरन कॉलम को अपने साथ उसके उसके अंदर ले जाएंगे। तो मैंने आयरन कॉलम ही सारे मार दिए, तभी तो ये विलेज सेव नहीं है। आ जा आ जा, उससे थोड़े एरोज भी ले लेंगे। तो मेरे पास अच्छा खासा आर्मर आ चुका है। अब तो तुम लोग कहाँ गिनता हूँ मैं, चलो साइड पे हो जाओ। एरोज उठा सकते हो ना, पिक अप द एरोज मैन।
यार उसको नहीं पिक कर रहा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं कहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर और मज़ा नहीं आना। तो फिलहाल विलेज बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है मेरी वजह से, तो इसके क्राइसिस से निकाल लेंगे हम किसी ना किसी तरह। बाकी घर यहाँ तक बना है, अभी से आगे घर बनाऊंगा मैंने, क्योंकि आज मैं थोड़ा आयरन के चक्कर में घूमा हूँ तो घर नहीं बना पाया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अब आयरन लेने के लिए हम इस तरफ को सफ़र करते हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो टिल देन टेक केयर, अगली एपिसोड में हम घर बनाएंगे। बाय बाय।